प्रोजेक्ट ओपन विद कोड सोर्स m2.js npm start इंट्रो गेट स्टार्टेड अपग्रेड ES6 हम भर चुके हैं। रेंडर HTML किस तरह होता है, JSX क्या होता है, व्हाट इज JSX? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, पहले हम सिर्फ JS पढ़ रहे थे, React जो है वो एक्चुअल में JSX है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML। JSX अलाउज अस टू राइट HTML इन React। JSX makes it easier to write and add HTML in React. Coding JSX. JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in the DOM without any create element and or append child methods. JSX converts HTML tags into create React elements. Okay, const my element किसके बराबर है? H1 के। ठीक है, एक हेडिंग वन एलिमेंट है और आप लोग उसी को रेंडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल टू, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा क्रिएट करो? H1। पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रेसेस आपकी ब्लैंक आ गई और ये आपके पास कंटेंट आ गया। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल ये आपके पास ये एट्रीब्यूट्स की जगह। अगर आप H1 में एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर करेंगे। ठीक है, जिस तरह प्रॉप्स हमें मिल रहा है कर्ली ब्रेसेस में एज अ ऑब्जेक्टिव और ये आपके पास उसका कंटेंट आ गया और फिर आप इसको इस तरह, तो ये वाला तरीका आसान है या फिर ये वाला तरीका आसान है? ऊपर वाला आसान है ना, तो ये JSX है। ठीक है, ये सिंपल JS है विदाउट JSX है और ये आपके पास JSX है, तो यही आसान है हमारे लिए, तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं। विद JSX यू कैन राइट एक्सप्रेशंस इन साइड कर्ली ब्रेसेस, कि आप लोग JSX में स्ट्रिंग के साथ साथ अगर आप JavaScript को यूज करना चाहते हैं, वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हैं, तो हम कर्ली ब्रेसेस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह React is 5+5 times better with JSX, तो H1 में क्या लिखा हुआ है? React is 10 times better with JSX। ठीक है, तो ये 5+5 जो ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, ऑल्टरनेटिवली यू कैन, अच्छा यहां पर आ रहा था आपके पास, क्रिएट अ लिस्ट वन टॉप लेवल एलिमेंट है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था रिएक्ट में, द HTML कोड मस्ट बी रैप्ड इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। सो इफ यू लाइक टू राइट टू पैराग्राफ्स, you must put them inside a parent element like a div element। अगर आप div को use नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम क्या use कर सकते हैं? fragment। ठीक है, तो fragment, एक तो यहाँ पे fragment component आ रहा होता है और एक है कि आप कुछ भी ना लिखें। ठीक है, या आई थिंक मैंने पढ़ा दिया था, बताया था ना। ठीक है, विदाउट fragment अगर आप सिर्फ राइट एंगल और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट को यूज करें तो ये आपका फ्रेगमेंट ही हो रहा होता है। एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज, एलिमेंट्स लाजमी क्लोज होना चाहिए। एट्रीब्यूट क्लास जो है वो किसके बराबर होगा? क्लास नेम के, क्योंकि क्लास जो है वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। इस तरह H1 क्लास नेम इक्वल टू माई क्लास। कंडीशन इफ स्टेटमेंट, रिएक्ट सपोर्ट्स इफ स्टेटमेंट्स बट नॉट इनसाइड JSX, कि आप लोग रिटर्न के अंदर इफ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं, रिटर्न के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, या कर्ली ब्रेसेस में जहाँ पे फिर आप फंक्शन यूज कर रहे हो। Const x equal to 5, let text equal to good 5, अगर x कम है 10 से तो text क्या हो जाए? Hello। तो यहाँ पे text क्या आएगा? जी साथ भी, यहाँ पे text क्या लिखा हुआ आएगा? जी शरीर भाई, आप भी हेलो हेलो आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो 10 से छोटा है तो टेक्स्ट किसके बराबर हो जाएगा? हेलो के हो जाएगा, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ जाएगा। कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू
फाइव, एक तरीका ये है कि आप लोग ऊपर ही मैनेज कर रहे हो, और एक तरीका ये है, एक्स कम है 10 से, यानी कम है 10 से, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो क्या आए हेलो, अदरवाइज क्या आए गुड बाय, तो यहाँ पे क्या आएगा हेलो आएगा। ओके जी, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कंपोनेंट किस तरह बनाया जाता है। क्लास हम पढ़ते नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, फील फ्री टू स्किप दिस सेक्शन एंड यूज फंक्शन कंपोनेंट्स इंस्टेड। सो हम फंक्शन कंपोनेंट्स को ही यूज कर रहे हैं। प्रॉप्स का पता लग गया कि प्रॉप्स किस तरह पास करते हैं। प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज इवेंट्स। हम आ जाते हैं इवेंट्स पे। ओके, आज हम खेलते हैं अबाउट में, हम को आप लोग फिलहाल स्किप करते हैं। ये हम यूज कर रहे थे होम में, तो अब आपके पास क्या आ गया अबाउट पेज। ये आपके पास अबाउट, अबाउट की जगह आप लोग एक और यूज करें कॉन्टेक्ट, एप डॉट जेएस में आपके पास कॉन्टेक्ट। हाँ जी मतीन भाई, अरे नजर पेजेस, पेजेस के अंदर फ्रंट एंड और फ्रंट एंड के अंदर ये कॉन्टेक्ट वाली फाइल को गेट करेगा। ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिकली पेजेस फ्रंट एंड कॉन्टेक्ट आ गया आपके पास। ये इसको करें तो अब आपके पास ये कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट की फाइल में जाते हैं और आपके पास हम एक बटन बनाते हैं, बटन क्लिक मी। ठीक है, ऑन क्लिक। अब ये क्योंकि आप लोग जावा स्क्रिप्ट की फाइल में लिख रहे हैं, जे एस एक्स है, तो ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, हम उसमें ऑन क्लिक लोअर केस में लिखें, अपर केस में लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इसमें आपके पास ऑन क्लिक आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कैमल केस में। और यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लें, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट इक्वल टू, ये आपका कौन सा फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग सबमिट फंक्शन, ओके। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक हो गया, और कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा, सबमिट फंक्शन। सेव किया ये बटन, इसको आप क्लास देते हैं btn btn primary, तो ये आपके पास बटन। ठीक है, पेज को रिफ्रेश एक बार कर लें, कंसोल में आए तो ये सबमिट फंक्शन ये ऑलरेडी चला हुआ है। ठीक है, अभी हमने बटन पे जब क्लिक किया तो अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं जैसे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी सबमिट फंक्शन चल चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब ये क्लिक हो तब हैंडल सबमिट काम करे, ऐसे ही है, लेकिन ये ऑलरेडी चला हुआ है। क्यों चला हुआ है या क्यों कॉल हुआ हुआ है, ये है जेएस की फाइल। ठीक है, ये जेएस की फाइल है, और फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नेम लिखते हैं और साथ में हम पैरेंथेसिस लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है, फंक्शन का नेम और साथ में पैरेंथेसिस हमने ऐड की। अब क्योंकि ये जेएस की फाइल है, जेएस की फाइल है ना, तो ये जेएस की फाइल में हमने ऑलरेडी पैरेंथेसिस को ऐड कर दिया है, तो ये फंक्शन ऑलरेडी चल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन ये तब ही चले जब बटन पे क्लिक करें, तो आप इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब सिर्फ फंक्शन का नेम लिखेंगे विदाउट पैरेंथेसिस। सेव किया, अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा अब ये चला, दोबारा क्लिक किया तो जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे ये चलेगा। मीन्स के एक तो इवेंट का जो नेम है वो आप लोगों का कैमल केस में आएगा, और दूसरा ये कि अगर आप लोग की फंक्शन उसमें चलाना चाहते हैं तो फंक्शन जो है विदाउट पैरेंथेसिस आप लोग कॉल करेंगे तब वो क्लिक करने पे काम करेगा।
अगर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे तो वो रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है ये? उसके बाद कंडीशनल्स, कंडीशनल्स हम ऑलरेडी कल हम देख चुके हैं। फंक्शन आपका सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखे ना, इस कंपोनेंट के अंदर आपने ये फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अगर तो कह लें कि फंक्शन के अंदर, अगर फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड है और रिटर्न कीवर्ड के अंदर HTML लिखी हुई हो तो एक कंपोनेंट है, ठीक है। फंक्शन के अंदर रिटर्न और रिटर्न के अंदर HTML लिखी हुई हो तो एक कंपोनेंट बन रहा होता है। अगर तो फंक्शन के अंदर HTML नहीं है तो वो एक सिंपल फंक्शन ही होगा, ठीक है। कंपोनेंट जो है एक्चुअल में कोई पेज, कोई HTML का एलिमेंट ही होता है, लेकिन उसको लिखते अपर केस से, ठीक है। स्टार्ट हमने अपर केस से ही शुरू करना है, उसका नेम कैपिटल से। लिस्ट, कल हमने देखा कि हम मैप मेथड की मदद से रेंडर कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अब आते हैं फॉर्म्स पे, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज कि फॉर्म को किस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्म, राउटर, मेमो को हमने अभी यूज नहीं करना, मेमो आपका आएगा हुक्स में, ये देखें यूज मेमो, ठीक है। हम उसमें देखेंगे CSS स्टाइलिंग और आपके पास सैस स्टाइलिंग। CSS आपको पता है किस तरह आप यूज करते हैं, इनलाइन का भी पता है किस तरह यूज करते हैं, पता है ना। लेट सपोज मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो स्टाइल, अब स्टाइल आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसमें आप लोग कलर कॉलन और ये आपके पास स्ट्रिंग में आप लोग उसकी वैल्यू दे रहे होंगे, तो कलर इसका है। ये कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका मतलब है आप लोग जावा स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, JS को लिख सकते हैं। जी ऑन क्लिक पे भी कर्ली ब्रेसेस है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, ऊपर हमने ये वेरिएबल को यूज करना है। सेव किया तो अब इसका कलर रेड होना चाहिए, ठीक है। इन लाइन स्टाइलिंग, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हैं तो अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। जी सफा भाई, उसको कर्ली ब्रेसेस में देखेंगे। खत्म करें, अब आ जाते हैं फॉर्म्स पे, इसको भी फिल वर्क के लिए खत्म करें। फॉर्म के लिए आपके पास फॉर्म, एक्शन आपके पास कोई नहीं, इस फॉर्म के अंदर डॉट रो के अंदर कॉलम डैश 12, इस कॉलम के अंदर आपके पास इनपुट की टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम और आपके पास क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। सेव किया तो ये आपके पास एंटर योर नेम आ गया, कॉलम 12 कॉलम एम्प्टी 6 और ये आपके पास फॉर्म दरवाजा कुछ इस तरह मार्जिन बॉटम 3, ठीक हो गया जी। वो तो आप अगर इसको करना चाहें तो इसको आप तो स्पेस आ जाएगी। ओके, एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंटर योर नेम और एंटर योर सिटी, ठीक है। ये दो चीजें आ गई आपके पास। इस फॉर्म के अंदर आप लोग इस बटन को ले आए और ये आपके पास ऑफसेट एमटी 3, इसको आप लोग मार्जिन बटन से खत्म करते हैं, बीटीएन प्राइमरी, और आप लोग इसको बीटीएन अच्छा जी, ये आपके पास एक नेम सिटी और ये आपके पास बटन आ गया कि इस बटन पे क्लिक करने पे
फॉर्म का डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म के डाटा के लिए अब जब आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो यहां पर लेट नेम इक्वल टू बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी स्ट्रिंग और लेट सिटी इक्वल टू स्ट्रिंग। जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है, जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो तो एक फंक्शन चले या जो भी इवेंट, जिस तरह बटन के क्लिक करने पे हम कौन सा इवेंट यूज करते हैं, यानी बटन के क्लिक करने इवेंट का नेम क्या है, फॉर्म क्लिक, उसी तरह फॉर्म की वैल्यू जब जब चेंज होती है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज जब जब हो इसके अंदर हमने एक फंक्शन चलाना है। ठीक है, फंक्शन आप लोग एनोनिमस फंक्शन का यूज करते हैं। इस पैरामीटर में आपको मिलेगा इवेंट। ठीक है, आपको क्या मिला, इवेंट। कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, उसके अंदर जो फंक्शन चल रहा है उसके फर्स्ट पैरामीटर में हमेशा आपको इवेंट ही मिलेगा, हमेशा। अब जिस तरह ये देखें ऑन क्लिक है, इसमें हमने फंक्शन चला दिया, ये फंक्शन है ना हंडे सबमिट, मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू आ रही है कंप्लीट, तो ये इसका पैरामीटर वाला सेक्शन है, यहाँ पे इसको यहाँ पे इवेंट। ठीक है, ओके, इवेंट यहाँ पर आप लोग देखें सी एल जी सी एल ओ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इवेंट में टारगेट, टारगेट का मतलब है ये पूरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर आपको वैल्यू जो मिलती है वो फिर वैल्यू एट्रीब्यूट से मिल रही होती है। ठीक है, जब जब वैल्यू चेंज करेंगे तब तब इवेंट चलेगा, इवेंट में से आपको यही वाला एलिमेंट मिलेगा और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो वैल्यू आपको मिलेगी। सेव किया तो ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा एच, तो वैल्यू एच आ गई, ए लिखा अब एच ए आ गया, आर लिखा एच ए आर आ गया, डबल ओ एन। ठीक है, तो ये हरून वर्ड पूरा आपके पास आ गया। अब देखिए मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिर्फ ए लिख देता हूँ, तो अब वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। मैं इसको सिलेक्ट किया, कैपिटल ए लिखा तो कैपिटल ए आ गया। आप वैल्यू को कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैन लिखा, मैंने इसको कट किया, खत्म होगी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर आके डायरेक्ट सिर्फ पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जैन आ गई। ठीक है, तो जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तब तब ये वाला फंक्शन चलेगा। हमने क्योंकि लिखा ही उस पर, ये चेंज जो हो रहा है यही हो रहा है ना, ये वाला जो फंक्शन है ये चेंज, हमने हर इनपुट के अंदर ऑन चेंज ये वाला फंक्शन चलाना है। तो वो वाला जो है क्या कहते हैं, वो वाली जो इनपुट फील्ड है जब जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तब तब उसका अपना फंक्शन चलेगा। ये देखे ना, ये इवेंट किस पे चल रहा है, इवेंट देखे ना, इवेंट खुद इस एलिमेंट पे ही चल रहा है, इवेंट इस एलिमेंट पे चल रहा है ना, तो इवेंट जब इस एलिमेंट पे चल रहा है इसका मतलब ये खुद यही एलिमेंट। ठीक है, इस पे आपको इवेंट मिलेगा, इस इवेंट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ई डॉट टारगेट, दिस डॉट वैल्यू। एक्चुअल में अभी हम इस तरह यूज कर रहे हैं, हमने आगे चेंज ही कर देना, तरीके चेंज कर देना है, पॉसिबल है, कभी यूज नहीं किया मैंने एक्चुअल में, इट माइट बी पॉसिबल कि हो सके, चेक कर लेते हैं कि दिस में आता क्या। सेव किया, वो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये काम नहीं करेगा, HTML में ये काम करता है। इसमें जो तरीका वो यही वाला है, ई डॉट टारगेट, सेव किया तो अब देखिएगा, मैं इसमें ए लिखता हूँ तो ई डॉट टारगेट क्या आ गया,
आपके पास यही वाला एलिमेंट आ गया। अब इसमें अगर आप ई डॉट टारगेट डॉट टाइप लिखेंगे ना तो आपको टेक्स्ट वैल्यू आएगी, ई डॉट टारगेट डॉट प्लेस होल्डर लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, लेकिन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी फिर। ठीक है, अहमद लिखा तो आपके पास अहमद वैल्यू आ गई। समझ लगी है? ऑन चेंज एक इवेंट, जब जब इस इनपुट फील्ड की वैल्यू ही चेंज होगी तो इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से इस इनपुट फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी देखें, मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं आ रही है, जब मैं सेम फंक्शन इवेंट के साथ है इस पर भी लगा दूं तो अब देखिएगा इसके अहमद वैल्यू आ गई और ये आपके पास एफ एस की आ गई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नेम और सिटी यहाँ पर आप लोग सी एल ओ नेम और सी एल ओ भी देखेगा, मैं जैसे क्लिक करूंगा ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। क्यों आ रहा है? फॉर्म यूज किया तो इससे बचा कैसे जा सकते हैं? इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, हमें उसमें इवेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाता था जीएस की फाइल में, रिएक्ट में हमें खुद से पास करना पड़ता है इवेंट। अब हमने इवेंट को किस पैरामीटर से लिया है, ई से। अब यहां पर आप लोग ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट सेव किया। अब मैं देखते हैं, ठीक है, नेम और सिटी इस टाइम आपके पास क्या है, ब्लैंक है। हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ये इनपुट फील्ड जो है, हम इसमें से कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नेम, तो नेम बराबर है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिटी। सेव किया तो ये देखें, मेयर और सिटी जो है वो आपकी फैसलाबाद, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग, अच्छा कंसोल, अच्छा हमने कंसोल नहीं करवाना, हमने डायरेक्ट ही ना, जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो नेम किसके बराबर हो जाए, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के, और ये किसके बराबर हो जाए, सिटी के बराबर के। क्लिक मी, पेज को रिफ्रेश करें, नेम मैर सिटी फैसलाबाद, ठीक हो गया, क्लिक मी, तो नेम मैर सिटी आपके पास फैसलाबाद। अब वो तरीका खत्म हो गया ना, वो हम उसमें करते थे सिंपल एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, इसमें तरीका ये है, ठीक है, पहले आप क्या करते थे, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करते थे, अब ये डॉक्यूमेंट ही यही है, यही एचटीएमएल है, यही सीएसएस और यही जेएस है, ठीक है, तो इसमें तरीका ये है, ठीक है, ये तो तरीका है ना, अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये वाला, एक्चुअल में ये भी यूज नहीं होना है, ये वो वाला तरीका है एक किस्म का जो हम पहले यूज करते थे, ठीक है, कि नेम के आगे हमने उसको वैल्यू को ऐड कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से, ऐसे ही इसमें ये यूज नहीं होता, इसमें यूज होते हैं हुक, ठीक है, हुक में आपको वैसे एक दिखा देता हूँ, रिएक्ट में से ना आप एक हुक को इम्पोर्ट करेंगे यूज स्टेट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये हुक है, ठीक है, यूज स्टेट है। अब ये देखें, ये यूज स्टेट है, ये एक एक्चुअल में फंक्शन है, क्या ये एक क्या है, फंक्शन है, जिस फंक्शन के का नेम जो है वो यूज वर्ड से स्टार्ट हो तो वो हुक कहलाता है,
कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि रिएक्ट डॉट यूज स्टेट होता है, ठीक है। हमने रिएक्ट से डायरेक्ट यूज स्टेट को गेट कर दिया, मीन्स के डिस्ट्रक्चर कर दिया किसम का, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रक्चर मीन्स के इम्पोर्ट करने का तरीका ये है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है, वैसे भी ऑटो ही इम्पोर्ट हो रहा होता है। ओके, अभी जो ये लेट नेम था हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखें कॉन्स्ट या फिर लेट लेट नेम, ठीक है, बराबर है यूज स्टेट के। नेम की गैर टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ते हैं। सेव किया, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें, नेम मैर, क्लिक मी, नेम आपका क्या आ गया, मैर आ गया। एंटर योर सिटी फैसलाबाद, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो ये आपके पास सिटी इस तरह। कंसोल डॉट लॉग नेम, अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉन्स्ट के साथ, ठीक है, कॉन्स्ट के साथ, सेव, यू, आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। यूज स्टेट या कोई भी हुक जो है ना उसकी वैल्यू, इवन के यूज स्टेट या पिलर कहें कि इसके वेरिएबल जो है वो कॉन्स्ट की मदद से ही हम यूज करते हैं ताकि नीचे जाके इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, फंक्शन या किसी भी वजह से इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अब नेम की वैल्यू को हम अपडेट किस तरह करेंगे, नेम तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास ब्लैंक स्ट्रिंग ही आ रहा है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने मतीन लिख दिया, सेव किया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, मतीन। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ उस नेम की वैल्यू, तो ये तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो बरल नेम की वैल्यू या स्टेट की वैल्यू को बाय स्टेट की वैल्यू को जो चेंज करने का तरीका वो इस तरह नहीं हुआ। इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, आपने वेरिएबल का नेम क्या लिखा, नेम, इसके साथ साथ एक फंक्शन भी बनता है इसका जिसकी मदद से वैल्यू चेंज होती है या वैल्यू अपडेट होती है, तो उसको हम कहते हैं सेट नेम। जो भी वेरिएबल का नेम होगा उसी नेम की मदद से आपने वही लिखना है, और उससे पहले आपने वर्ड क्या यूज कर लेना है, सेट, लाइक कंट्री, तो ये क्या बन जाएगा, सेट कंट्री। मैंने यहाँ पे लिखा एज, तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, ठीक है। और ये जो है यूज स्टेट के अंदर इसकी ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कि आप खत्म करते हैं, ठीक हो गया, फिलहाल इसको भी आप खत्म करें। अच्छा, अभी आपके पास सेट नेम, ठीक है, सेट नेम। अब आप लोग नेम को इस तरह नहीं करेंगे, आपने क्या करना है, वैल्यू आपको इसमें से ही मिलेगी, ऐसे ही है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपने क्या कहना है, सेट नेम, सेट नेम, नेम को सेट कर दो, उसके अंदर आप उसकी वैल्यू पास करते हैं। तो अब क्या होगा, अभी आपके पास नेम की वैल्यू सेट हो गई, हरून लिखा मैंने, क्लिक मी किया तो हरून आ गया, मैर लिखा आपके पास मैर, साद लिखा तो आपके पास साद, ठीक है, मतीन लिखते हैं तो आपके पास मतीन आ गया, ठीक हो गया, अरशद, ठीक है। तो इस तरह ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है यूज स्टेट की मदद से, और यूज स्टेट को ही यूज किया जाता है, ठीक है, जब जब आप वैल्यू को, और एक चीज है कि यूज स्टेट, जब जब आप स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, और अगर आप लोग इसको कहीं पे नीचे यूज कर रहे हैं देखने के लिए, तो ये इसकी वैल्यू चेंज होगी, सॉरी ये रीरेंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट नेम है, बन है, नेम वन बराबर कर दो इसके, ठीक है जी, ये काम करेगा, नेम वन और ये भी नेम वन, मैं
इस जगह पे एच वन के नीचे नेम वन बराबर है नेम वन के, ठीक है। ये आपको एज इट इज ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा और ये आपको वेरिएबल है, ठीक है। इसको आप लोग नेम करें और इसको भी आप लोग नेम करें। सेव किया, नेम, एंटर योर नेम, मैं, क्लिक मी। यहाँ पे देखें नेम वन की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं आपको शो होगा, ऐसे ही है। अब मैं करता हूँ नेम की वैल्यू को चेंज, ठीक है। नेम की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा सेट नेम की मदद से, ठीक है। अब जो हम हुक यूज कर रहे थे, ये हुक जो यूज हो रहा है, तो अब देखिएगा मैं जब जब नेम की वैल्यू चेंज होगी, साथ साथ आपके पास ये भी चेंज हो रहा होगा, लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखें, मैंने जी लिखा, जी आ गया जी, ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास बस है, ये आपके पास अमानुल्ला, ये वैल्यू आपके पास इस तरह चेंज होती है। खत्म करेंगे, खत्म हो गया। मीन्स के स्टेट की वैल्यू जब जब चेंज होगी, आप लोग अगर उसको एचटीएमएल में यूज कर रहे हैं तो तब तब उसकी वैल्यू भी रेंडर चेंज हो रही होगी, वो रीरेंडर हो रहा होगा जी। कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। किस चीज की समझ लगी? ये इस तरह ही यूज किया जाता है, ठीक है। यूज स्टेट आपका ये हुक है, किसके बराबर है? नेम के और सेट नेम। एक्चुअली ये डीस्ट्रक्चर का ही तरीका है, लेकिन हुक को यूज करने का तरीका ही है। नहीं होनी चाहिए, ये हमने खुद से डिफाइन किया, ये खुद से डिफाइन किया। मीन्स के इसके इंडेक्स जीरो में वैल्यू है, इंडेक्स वन में फंक्शन, ठीक है। इंडेक्स जीरो की वैल्यू को चेंज करने का जो तरीका है वो इंडेक्स वन के फंक्शन में वैल्यू को चेंज करता है। स्टेट में से बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, या फॉर्म का डाटा अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, या बटन पे क्लिक करने पे आप लोग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप यूज स्टेट की मदद से करते हैं। इस वेरिएबल की, इस वेरिएबल की वैल्यू आप लोग किसकी मदद से चेंज कर सकते हैं? ठीक है, सेट नेम, उसकी ही फंक्शन की मदद से। और ये वैल्यू जब जब चेंज होगी, अगर आप लोग इसको कहीं पे नीचे यूज कर रहे हैं, तब तब ये रीरेंडर होगा, ठीक है। जब भी उसकी वैल्यू चेंज हुई, फौरी तौर पे ये रीरेंडर होगा। इतना क्लियर है? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया, यहां पर मेन स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हैश आप लोग यूज कर लें FF0000, या फिर सिर्फ ये, चलो ये कौन सा कलर बनेगा? रेड बन जाएगा। सेव किया तो ये आपके पास बैकग्राउंड कलर रह जाता है, ऐसे ही। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म से पहले इनपुट की टाइप कलर, इनपुट की टाइप क्या ले ली मैंने? ऑन चेंज, जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो, हमने एरो फंक्शन बना लिया। एरो फंक्शन का याद है कि अगर सिर्फ फर्स्ट एक ही आर्गुमेंट या एक ही पैरामीटर हो, तो आप लोग पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास ई है, तो अब अगर आप लोग इसको ना भी लिखें तो ये तब भी काम करेगा, ठीक है। ये एरो फंक्शन है, CLOE.target.value, इसको आप लोग बेशक कलर कह दें। तो अब देखें, जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, आपके पास कलर आ रहे हैं? हेक्साडेसिमल में ही आ रहे हैं। क्या आप इस वैल्यू को किसी स्टेट में सेट करवा सकते हैं? यू दिन भाई,
हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, ऑन चेंज करने पे हम इसको किसी स्टेट में स्टोर करवा सकते हैं, करवा सकते हैं ना, तो हम इसको स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कॉन्स्ट कलर सेट कलर किसके बराबर हो जाए, यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक हो गया। या फिर अगर आप ब्लैंक स्ट्रिंग की बजाय अगर आप वाइट कलर देना चाहते हैं तो वाइट कलर का कोड क्या है, हैशटैग FFF, ठीक है। सेट कलर, जब जब इसकी वैल्यू चेंज हो तो ये आपके पास सेट कलर हो जाएगा, ठीक है। सेट कलर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेव किया, पेज पे रिफ्रेश करें तो बाय डिफॉल्ट ये आपके पास रेड कलर आ रहा है, ऐसे ही है। आप क्या कहें इसको यहाँ पर कलर, ऊपर से वैल्यू आ गई यहाँ पर, इस टाइम कलर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वाइट है, तो यहाँ पर ही आपके पास वाइट कलर ही बैकग्राउंड बन रहा होगा, ये बैकग्राउंड। अब देखें मैं जब जब इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, कलर की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, जब जब स्टेट की वैल्यू चेंज होती है वो रीरेंडर होता है, ठीक है, तो ये रीरेंडर होगा। तो ये यूज स्टेट की मदद से पॉसिबल है, अदरवाइज अगर आप सिंपल इसको वेरिएबल में लिख के लेट की मदद से वैल्यू को चेंज करते ये कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये यूज स्टेट की मदद से ये चीजें फिर पॉसिबल है इस तरह। हाँ जी ओके, कोड आपका हमेशा टॉप टू लीड काम करता है, ऐसा ही है। आपका जो सबसे पहले जो है ना आपका ये चलना है इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। इंडेक्स डॉट जे एस में क्या आपके पास ऐप है, अच्छा ये जो चीज़ है ना ये रेंडर होके किस में ऐड हो रही है, रूट एलिमेंट में, ठीक है। रूट एलिमेंट में मीन्स क्या आपके पास एचटीएमएल की फाइल ऐप, ऐप में हम क्या इसको दिखा रहे हैं, हेडर कॉन्टैक्ट का पेज और फुटर, कॉन्टैक्ट में आ गए। आपके पास नेम एक स्टेट की मदद से और कॉन्स्ट कलर उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए सेट कलर, और कलर की डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी है, वाइट। नीचे आए स्टाइल में आपका ये रिटर्न हुआ, ये रिटर्न वाला ही आपको नज़र आ रहा है। हमने इसका बैकग्राउंड कलर क्या कहा, कलर, कलर एक वेरिएबल। अब ये देखेगा वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हैशटैग ट्रिपल एफ है, ठीक है, तो ये वाइट कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर आपका वाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एफ जीरो एफ कर दें तो ये डिफॉल्ट कलर इसका ये वाला बन गया, ठीक है। इसको भी जीरो कर दें तो अब आपके पास रेड बन जाएगा, ठीक हो गया। यूज स्टेट में जो वैल्यू वाली चीज थी उसकी वैल्यू आ गई थी जी, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। अब सेट कलर ये कहीं पे यूज हो रहा है, यूज कहाँ पे हो रहा है, इनपुट टाइप कलर में। हमने इसको कहा हुआ है कि जब जब इस इनपुट टाइप कलर की वैल्यू क्या हो, चेंज हो, तो सेट कलर कर दो। सेट कलर क्या करो, ई डॉट टारगेट वैल्यू, इस इनपुट फील्ड की ही वैल्यू, इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जब जब कलर की वैल्यू चेंज होगी तब तब ये रीरेंडर होगा, तब तब ये बाय डिफॉल्ट हमने कलर क्या रख दिया, हमने नीचे कलर जी अंदर किसके अंदर, ये ऑलरेडी ही ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। अगर तो ये हम कहीं पे स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हैं तो फिर हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है, जिस तरह यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये स्ट्रिंग है,
ठीक है, ये एज अ कॉन्टेंट फिर यूज होता, तो फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में है ही ऑब्जेक्ट आपका, तो ऑब्जेक्ट में फिर आप वेरिएबल को यूज करते हैं। तो जब जब कलर की वैल्यू चेंज होगी सेट कलर की मदद से, तब तब वो नीचे री रेंडर हो रहा होगा। जी क्लियर है, कोई सवाल? हाँ जी, ऊपर से तो नहीं गुजर रहा है, ठीक है, इजी है, अच्छी बात है। हाँ जी बारा भाई, घूम गए हैं, घूम गए हैं, अच्छा इजी है ना। हाँ जी साहब भाई, ठीक है, शहरियर भाई, वो कोई भी रख सकते हैं, वेरिएबल है ना, तो नेम वही रखा जाएगा जो उसको जाहिर कर रहा हो, वो यूज स्टेट में ही आ रही है। ठीक है, आपने वेरिएबल का नेम वही यूज करना है जो एक्चुअल में वो बन रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल बात वही कि आप ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें, डी रख दें, आपको शायद खुद पता लग रहा हो वक्ती तौर पे, साल बाद अगर आप खुद ये अपना भी कोड देखें ना, आपको समझ नहीं लगनी है। ठीक है, तो काफी फर्क पड़ जाता है इस तरह ना। हाँ जी क्लियर है इतना? अच्छा, बस एक चीज हम देखते हैं, वो भी थोड़ा सा, कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट किस तरह हो सकते हैं। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, और उस लाइब्रेरी का नेम है, बस ये मुजफ्फर भाई ये छोटा सा एक टास्क है, रिएक्ट राउटर डॉम। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो रिएक्ट को एक्चुअल में सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है हम बनाते हैं, वो इस एप्लीकेशन लाइब्रेरी की मदद से बनाते हैं। जी लाइब्रेरी है ना, तो हमने शुरू में यही पढ़ा था ना कि मल्टीपल लाइब्रेरीज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट में अगर ये फ्रेमवर्क होता, जिस तरह फ्लटर जो है एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो फ्रेमवर्क में क्या होता है, जो बिल्ट इन आपके पास चीजें हैं ना, आप सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी को लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। अब हमने करना क्या है, सोर्स एप डॉट जे एस, ठीक है, एप डॉट जे एस, यहां पर राउट्स, राउट्स देख के कहां से इंपोर्ट हो रहे हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, इस राउट्स के अंदर राउट, आपके पास राउट भी आ गया। राउट को हम कहते हैं पाथ, ठीक है, पाथ में आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश, आपकी जो सबसे पहले वेबसाइट जो चलती है वो इस पाथ पे ही आता है। ठीक है, इसको रूट भी कहा जाता है। तो रूट या जब यूजर फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कौन सा पेज उसको नजर आता है, होम पेज। ठीक है, तो हमने इसको कहना है यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट में आप इसको होम, ठीक हो गया। उसी तरीके से यहां पर आपके पास अबाउट, तो अबाउट में आप क्या शो करवा देंगे, अबाउट, और कॉन्टेक्ट में आप कॉन्टेक्ट, इन सब को खत्म करते हैं। ओके, अब मैं जैसे पेज इसको सेव करूंगा तो आपको एरर आएगा। ठीक है, एरर आया, ये देखें, यूज राउट्स में बी यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ राउटर कंपोनेंट। कि आप जो ये राउट्स और राउट को यूज कर रहे हैं, या रिएक्ट राउटर डॉम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग राउटर कंपोनेंट के अंदर उसको यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स डॉट जे एस में अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है, इसको आप लोग ब्राउजर राउटर इसके अंदर रैप कर देते हैं। आपने क्या किया, ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट किया, कहां से किया, रिएक्ट राउटर डॉम से, और उसके अंदर हमने किसको रैप कर दिया, ऐप को। अब इस ऐप के अंदर मींस के कहां, जहां जहां भी आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह ब्राउजर राउटर या राउटर के अंदर ही आ रहा है। सेव किया तो अब आपका ये एरर खत्म हो जाएगा।
खत्म हो गया। आपके पास इस टाइम ये रूट एलिमेंट है, ठीक है ना, फॉरवर्ड स्लैश है। अगर मैं इसको यूज करता हूँ अबाउट, तो अब आपके पास देखें ये कौन सा पेज आ गया, अबाउट आ गया। अगर अब आप यूज करते हैं कॉन्टैक्ट, तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट करा गया, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात, हमने यहाँ से तो नहीं इसको एक्सेस करना है, हमने तो इसको एक्सेस करना है इस जगह से, ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट लिखा जाएगा ऐसे ही है। तो हम आ जाते हैं नैव बार में, हेडर एल आई। अब एंकर टैग की जगह हमने क्या यूज करना है, लिंक कंपोनेंट। ये लिंक कंपोनेंट हमें कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट आउटर डॉम, ठीक है, उसी लाइब्रेरी से हमें लिंक भी मिलेगा, ठीक है। अब एंकर टैग में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एचआरएफ। लिंक में हम, अच्छा अब ये लिंक जो है ना वो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स कहलाते हैं। तो हम इसमें एक प्रॉप ऐड करेंगे टू, ठीक है, टू। इसको आप लोग स्ट्रिंग में लिखना चाहें स्ट्रिंग में लिखते हैं, अगर वो कर्ली ब्रेसिस है तो फिर आप लोग उसके अंदर स्ट्रिंग ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। अब होम है, होम का हमने पाथ क्या दिया है, फॉरवर्ड स्लैश, तो ये आपका फॉरवर्ड स्लैश आएगा। वहां पे जो पाथ होगा यहाँ पे वही टू में आएगा। उसके बाद किसी की कॉपी बना लें, इसको एक्टिव खत्म कर दें, ये आप लोग कहते हैं अबाउट। इसका हमने वहां पे पाथ क्या दिया है, अबाउट दिया है, तो ये अबाउट आ जाएगा। हमने कॉन्टैक्ट का पाथ क्या दिया है, कॉन्टैक्ट, तो आप लोग इसको कॉन्टैक्ट। बाकी जो है ना ये एलिमेंट वगैरह और ये सब जो है इसको खत्म कर दिया, इसकी हमने जीरो किया, सेव किया। तो ये देखिए होम अबाउट और ये कॉन्टैक्ट। अब देखिए जब मैं होम पे क्लिक करूंगा, ठीक है, होम पे जब क्लिक किया इसका मतलब है मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में करेगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ इस राउट पे लेके चला जाएगा मुझे, ठीक है, इस राउट पे लेके जाएगा। इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये आपको इस राउट पे लेकर आएगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको इस राउट पे लेकर आएगा। अब देखें मैं होम पे क्लिक किया तो आपका ये होम आ गया, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। तो ये रिएक्ट है आपकी, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, विद इन मिली सेकेंड एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेट करते हैं, ठीक है। ये जो आपने 4-5 महीने लगाए हैं इसके लिए लगाए थे, तो एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट होना बगैर पेज रिफ्रेश हुए। अब ये देखें ये भी मैंने पेज को रिफ्रेश किया, होम पेज में हमने कंसोल करवाया हुआ है, वो कंसोल यहाँ पर ही है। मैं अबाउट पे गया, कॉन्टैक्ट पे गया, मैं दोबारा होम पे आता हूँ तो वो देखें पुराना कंसोल भी है और ये न्यू कंसोल भी आ गया। मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, कंसोल मेरे पास फिर भी है home.js पे लाइन नंबर 16 में, मीन्स के पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। पेज रिफ्रेश होता तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता। अब टू आपका कर क्या रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पाथ पे लेके जा रहा है। इस पाथ में हमने कंपोनेंट दिखाना कौन सा है, एक मिनट इजाफा पे, इस पाथ में हमने कंपोनेंट दिखाना कौन सा है, वो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। हमने इसको कहा हुआ है कि रूट एलिमेंट में कौन सा कंपोनेंट है, होम है, अबाउट में कौन सा है, अबाउट, कॉन्टैक्ट में कौन सा है, कॉन्टैक्ट। अगर मैं इसको कहता हूँ कॉन्टैक्ट वन, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट वन के राउट में कॉन्टैक्ट एलिमेंट नजर आए, तो अब देखिएगा जब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊंगा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको हेडर नजर आ रहे हैं, आपको ये फुटर नजर आ रहा है। इस राउट्स में हमने कोई भी इसको कंपोनेंट नहीं बताया, तो कोई भी कंपोनेंट एंटर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट के क्लिक करने पर आपको कॉन्टैक्ट पे लेकर आ रहा था। अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट वन कह दूँ तो अब वो आपके पास कंपोनेंट कॉन्टैक्ट वाला पेज आपको शो हो जाएगा। समझ लगी इसकी, लिंक सिर्फ और सिर्फ उस राउट पे लेके जाता है, उस राउट में आपने एलिमेंट कौन सा दिखाना है वो आप राउट्स पे डिफाइन करते हैं। क्लियर है जी मुजफ्फर भाई, आप कुछ कह रहे थे, हम करते नहीं है, मींस का
खुद तो कर ही सकते हैं, खुद तो कर सकते हैं। नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। ये सिर्फ सिर्फ अपना व्यू चेंज कर रहा है। वो फिर एंकर टैग यूज करेंगे। एक वेबसाइट से अब दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट होने के लिए आप लोग एंकर टैग को यूज करेंगे। उस कॉन्टेक्ट पे मैं उस पर वो कर दूं। अब देखें ये इस टाइम किस राउट पे है, कॉन्टेक्ट पे। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ कि ये कॉन्टेक्ट पे ये वाला एलिमेंट शो, तो ये ऑटोमेटिक अब मुझे शो हो जाएगा। वो कैसे जी? वो फिर हम ये नैव बार में ही हैंडल कर रहे होंगे। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये गेट कर सकते हैं कि इस टाइम यूजर कौन से पेज पे मौजूद है, तो वो जिस पेज पर मौजूद होगा उसकी मदद से फिर हम यहाँ पे कंडीशन खुद से लगा रहे होंगे। ठीक है, वो फिर कस्टम लॉजिक होगी, हम खुद कर रहे होंगे जी। और कोई सवाल? एनीवन? हाँ जी, खामोशी आ गई है, रन कर रहे हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना है। और रिएक्ट के कहने के लिए इंट्रो था या बेसिक जो था, रिएक्ट ट्यूटोरियल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह हुक्स करेंगे, और नेक्स्ट वीक हमारा इंशाल्लाह हुक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा फिर, या फिर इसको तीन लेक्चर लगेंगे, तो उसके साथ साथ फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टू वीक्स में जो कंप्लीट है हमारी डेट कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल किसी का? एनीवन, जी, जज़ाकुल्लाह खैर।